एक बार हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, समस्या यह है कि आप दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी का चुनाव आपके हाथ में नहीं होता है। और हमारे सारे पड़ोसी में से सबसे अच्छा पड़ोसी है पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसकी हालत आज ढोलक जैसी हो चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, ढोलक जैसी हो चुकी है। एक तरफ जहाँ हमारे देश भारत का नक्शा देख हमें गर्व महसूस होता है, और पाकिस्तान का नक्शे को देख कुछ और ही महसूस होता है। यहाँ क्यों न देखे, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है तो आप तो समझ में आ गया भाई, बुरा नहीं मानिएगा। पाकिस्तान को अगर चीन के टुकड़ों में पलने वाला देश कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। वहीं भारत डोकलाम और गलवान में चीन को अपने पराक्रम को दिखा चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक प्राइवेट स्मार्ट सिटी की, और उसे कंपेयर करेंगे इंडिया के फर्स्ट स्मार्ट सिटी ढोलेरा से। पर अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, 90% जनता ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इल्यूटिक आइस पर। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी से। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरह एक रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी है, जहां आपको सारी लग्जरी एक ही जगह देखने मिलेगी। ये एक अनोखा प्राइवेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान का दूसरा स्मार्ट सिटी होने वाला है। यहाँ पर रेजिडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फैसिलिटीज होने वाली है। ये सिटी 55,000 कनाल के लैंड एरिया में बनाया जाएगा, और कुछ एरिया फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए छोड़ दिया जाएगा। लाहौर स्मार्ट सिटी को स्ट्रेटेजिकली काफी अच्छे लोकेशन पर बनाया जा रहा है। अनुमानित तौर पे इसे लाहौर बाईपास के करीब बनाया जाएगा। लाहौर रिंग रोड इस स्मार्ट सिटी को काफी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस लोकेशन पर कई और डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना काफी आसान होगा। इस सिटी को काफी इको फ्रेंडली वे में बनाने की कोशिश की जाएगी। ये सिटी इस्लामाबाद में बन रहा कैपिटल स्मार्ट सिटी से काफी सिमिलर है। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर दबा के देख सकते हैं। इस सिटी को काफी फेमस कंपनी ने डिजाइन किया है। इन सोसाइटीज को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि यहाँ बिजनेस ग्रो हो और इन्वेस्टमेंट में बूस्ट आए। यहाँ पर इंडस्ट्रियल, अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल एरिया के लिए कंसल्टेंसी सोल्यूशन बनाए जाएंगे। ये देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर चाइना से नहीं इन प्राइवेट कंपनी से भीख मांग लेती तो बेहतर होता। खैर, ये तो गधे ही बेच के पैसे कमा लेंगे। गजब बेइज्जती है। लाहौर स्मार्ट सिटी को कई ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ओवरसीज ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और जनरल ब्लॉक। ओवरसीज ब्लॉक में प्लॉट सिर्फ ओवरसीज के लिए रिजर्व रहेगा। इस ब्लॉक को काफी भव्य बनाया जाएगा। सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ प्लॉट ले पाएंगे। तो शायद इन्हें ही पता है कि पाकिस्तान में किसी और देश के लोग आएंगे ही नहीं, सबको अपनी जान प्यारी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लोकल रेजिडेंट्स एग्जीक्यूटिव और रेजिडेंशियल ब्लॉक में प्लॉट ले पाएंगे। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को रिवर सेल और गोल्फ कोर्स के बीच में बनाया जाएगा। लाहौर स्मार्ट सिटी सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन की शुरुआत जनरल ब्लॉक से होगी। जनरल ब्लॉक में काफी लेटेस्ट फैसिलिटीज और सर्विसेज भी होंगी। इस ब्लॉक को ओवरसीज ब्लॉक के पास बनाया जाएगा। यहाँ पर कई पार्क्स और हेल्थ केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे। गार्बेज के डिस्पोजल और सुवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए कई एडवांस टेक्नोलॉजीज भी यूज की जाएंगी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन में काफी कमी आएगी। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो इस सिटी को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल पर बनाया जा रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरह इस सिटी को भी हबीब रफीक और फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स बना रही है। अगर बात की जाए यहाँ की फैसिलिटीज की तो इस सिटी में कई एडवांस फैसिलिटीज भी होंगी। लाहौर स्मार्ट सिटी के डेवलपर रेजिडेंट्स को मॉडर्न लिविंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होंगी जो रेजिडेंट्स को हाईएस्ट लेवल ऑफ कंफर्ट, कन्वीनियंस और लग्जरी प्रोवाइड करेंगी। इनके साथ यहाँ कई अर्बन एमिनिटीज जैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, प्लेग्राउंड, शॉपिंग मॉल, पूल और कई और फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। इस टॉपिक के रिसर्च के दौरान मैं तो ये सोच रहा था कि इमरान खान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ कबूतर और टिड्डी है, टिड्डी खाते हैं और कबूतर का नहीं, ऑडियो आपकी आ रही है, टिड्डी आप खाते हैं और कबूतर के थ्रू आप मैसेज भेजते हैं। अगर पाकिस्तान की बागडोर इन प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होती तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ये नहीं होती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ढुलेरा के बारे में और जानते हैं कि आखिर क्या है ढुलेरा के COVID-19 के बाद के अपडेट्स। जैसा कि हम जानते हैं मोदी जी का मेन फोकस हमेशा से स्केल और स्पीड रहा है और ढुलेरा को मोदी जी दिल्ली से डबल बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसके चलते यहाँ पे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में काफी बूस्ट आएगा। ढुलेरा में जल्द ही ढुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो एक 6-लेन एक्सप्रेसवे है। ये ढुलेरा और अहमदाबाद के बीच के ट्रेवल टाइम को काफी कम कर देगा। इसके साथ यहाँ पर मोनोरेल भी बनाया जाएगा। गुजरात गवर्नमेंट ने 6 जनवरी 2021 को मोनोरेल प्रोजेक्ट को पास कर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट को 6000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। मोनोरेल को बनने में काम शुरू होने के बाद 2 से 3 साल लगेंगे। ढुलेरा में एयरपोर्ट बनाने के लिए नवगांव में लैंड एलोकेट कर दिया गया है। ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा और इसे 35,000 एकर्स में बनाया जाएगा। ढुलेरा एयरपोर्ट का काम फेब मंथ में शुरू होने की उम्मीद है। IIT गांधीनगर ने लैंड का परीक्षण कर गुजरात गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंप दी है। इस एयरपोर्ट की एनुअल कैपेसिटी 50 मिलियन पैसेंजर होगी और इसे 2 फेज में बनाया जाएगा। ABCD बिल्डिंग में 8 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना ऑफिस शुरू कर दिया है। ढुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, ढुलेरा SIR डेवलपमेंट अथॉरिटी, ढुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ऑफिस ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स SBI, अल्मोंजो ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड, STUP कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और मोंटी कार्लो लिमिटेड ने यहां पर ऑफिस शुरू किया है। इस बिल्डिंग को बनाने में 72 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली कम्प्लीट हो चुका है। ये बिल्डिंग पूरे सिटी को काफी बारीकी से मॉनिटर करेगी। यहाँ पर ESR यानी एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वर बनाए जा रहे हैं जिसकी वाटर कैपेसिटी 20 लाख लीटर है और ढुलेरा में ऐसे 9 ESR बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर पावर सबस्टेशन बनाया जा रहा है जो 67 किलोवाट पावर जनरेट करेगा और इसका कंस्ट्रक्शन भी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर दिया गया है। टाटा ग्रुप ढुलेरा में इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्टॉल करेगी। ढुलेरा में पावर प्लांट ही बनाया जा रहा है जिसकी कुल लागत 35 करोड़ होने वाली है। मोदी जी वाह। ये पूरे ढुलेरा सिटी को पावर सप्लाई करेगा। आप जो अभी तस्वीर देख रहे हैं वो टाटा सोलर पावर प्लांट की है। ये प्लांट एनुअली 256 मेगा यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेट करेगी। यहाँ पर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो इंडस्ट्रीज के सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को ट्रीट कर सारे हार्मफुल केमिकल रिमूव करेगा। और रेजिडेंशियल वाटर ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर डे 30 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीट कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट को L&T कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ये है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ढुलेरा। आपको कौन सी सिटी ज्यादा बेटर लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा, बाय बाय, शब्बा खैर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।